ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 11 अक्टूबर की श्रीवदान की, जहाँ परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने ऊपर तो कंट्रोल रखें ही रखें और हमें एक ऋषि के जैसे जिए जीवन अपना। ऋषि माना कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमें डिटैचमेंट, आसक्ति ना हो किसी भी प्रकार की। हाँ, आप इंजॉय कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको आसक्ति ना हो कि भैया वही चीज़ चाहिए, वही खाना चाहिए, वही टाइप की चीज़ चाहिए, वही टाइप के कपड़े चाहिए, वो ज़िद हो जाती है ना। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम उस ज़िद से दूर हो जाएं, हम बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाएं और अपने जीवन को एंजॉय करें लेकिन किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होकर नहीं, वो शक्ति हो हमारे अंदर। तो देखें, परमात्मा कहते क्या है, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद मतलब अनलिमिटेड, कोई अंत नहीं, हद ही नहीं उसकी। वैराग्य मित्री वृत्ति मतलब कि हमें किसी प्रकार का भी अटैचमेंट नहीं है कि वो चीज़ फिर से ना मिली तो हम दुखी हो गए, वो इंसान फिर से हमसे बात नहीं करना शुरू करता है तो हम दुखी हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं। को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भवा, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले। तो बाबा कहते हैं एक तरफ राज्य, स्व के ऊपर राज्य करना, मन बुद्धि संस्कार, और दूसरे तरफ ऋषि। आप राज्य भी कर रहे हो और आप ऋषि भी हो, मतलब कि आप इस दुनिया में रह रहे भी हो, सब चीज़ इस्तेमाल भी कर रहे हो और अपने मन बुद्धि पे कंट्रोल रख करके, तो आप ऋषि बन गए। अगर आपकी मन बुद्धि पे डिपेंडेंट होगी सारी चीज़ों पर, चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, धन दौलत हो, सब कुछ आपके पास में हो, लेकिन आप उन पर डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप सबसे दुखी इंसान हो इस दुनिया के। परमात्मा ये कहना चाहते हैं, इसलिए ऋषि भी बनो, चीज़ इस्तेमाल करो राजा के जैसे लेकिन ऋषि भी बनो। परमात्मा कहते हैं ऐसे राज्य ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता। मतलब कि वो अपने साथ ही लगाव हो, अपने साथ सिर्फ जिसको लगाव होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मेरा अच्छा हो जाए, मेरा ही सब कुछ हो जाए, तो वो सेल्फिश कहलाया जाता है, लेकिन ऋषि सेल्फिश नहीं होते। चाहे व्यक्ति में, किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो गया, अगर ये व्यक्ति नहीं आया तो बड़े सैड हो गए, ये प्रोग्राम में नहीं आया तो सैड हो गए, इसने मेरे इनविटेशन स्वीकार नहीं किया तो सैड हो गए। चाहे वस्तु में, ये अगर वस्तु ने मुझे सपोर्ट नहीं दिया, चाहे फ़ोन हो, आप मेरे सामने फ़ोन है, लाइट ने सपोर्ट दिया, लाइट चली गई अचानक से, तो हम क्या हो गए, सैड हो गए। लगाव नहीं हो सकता क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है। स्व पे राज्य है, स्व के ऊपर राज्य मतलब कि मेरा अपने थॉट्स, मन, मेरी बुद्धि, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और मेरे जो संस्कार हैं सब अपने वश में हैं। और वैभव और वैराग्य है, आपने कहा, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव आ नहीं सकता। आपके थॉट्स पुरानी दुनिया में जा ही नहीं सकते, मतलब कि आपको पुरानी दुनिया की चीज़ों से इच्छाएं कम होती जाएंगी, ये अनुभव के अनुसार आता है। कुछ लोग होंगे जो कि बहुत ही लिप्त हैं इस चीज़ों में, खान पान में, मसालेदार चीज़ों में, अच्छे कपड़े पहनने में, जूते अच्छे लगाने में, अच्छी गाड़ियों में घूमने के, अच्छे दोस्तों के साथ रहने, जो अमीर हों, इन चीज़ों में बहुत विलीन होते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि लाइफ हमें एक नया मोड़ देती है, हमें लगता है कि नहीं, ये जो सब कुछ किया मैंने वो किया, चलो अनुभव तो हो गया मुझे, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सच्चा प्यार, ये सच्ची खुशी नहीं है। तब परिवर्तन आता है, तब ये वरदान समझ आते हैं। अभी काफ़ी सारों के बुद्धि के ऊपर से वरदान निकलते होंगे, लेकिन ये वरदान तभी समझ आते हैं जब कोई सिचुएशन आती है। फिर मैं कहते हैं वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता, इसलिए स्वयं को राज्य ऋषि समझना, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कंट्रोल राजा, और साथ साथ दुनिया की चीज़ें, पुरानी वस्तुएं, लोग और अपने साथ भी ज़्यादा आकर्षित नहीं होना, तब जा करके हमारे अंदर स्टेबिलिटी रहेगी। ये काम नहीं हुआ मेरा, सैड हो गए, इसने मुझे कॉल नहीं किया, सैड हो गया, अभी तक व्हाट्सएप मैसेज वापस नहीं आया मुझे, इतनी देर है, उसने देख भी लिया मैसेज लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं किया, दुखी हो गए। ये नहीं, छोटी छोटी चीज़ में फंसना नहीं है।
तो इसके लिए मेडिटेशन की पावर बहुत ज़रूरी है, और परमात्मा से सारा प्यार मिले तो और उसे प्यार की इच्छा कम हो जाए, ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी इसमें। इसी के साथ ओम शांति।